मैं हूं सानिया अजीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के बोरीवली इलाके में ऐसी घटना घटी है जिसे जानने के बाद इलाके में खलबली मच गई है। इस इलाके में एक पैथोलॉजी लैब चलाने वाले शख्स ने अपनी एक जानने वाली महिला से करीब 5 लाख रुपए उधार लिए थे और जब वो पैसा नहीं चुका पाया तो उसने महिला को मारने की कोशिश की। किसी को शक नहीं हो इसलिए वो महिला के घर में साड़ी पहनकर गया था और वहां कथित तौर पर महिला की हत्या करने की कोशिश की। मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर निनाद सामंत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कमलेश हातिम ने हिना वसरिया नाम की महिला से 5 लाख रुपए उधार लिए थे और हिना ने कमलेश को अपनी दुकान किराए पर दी थी जहां कमलेश पैथोलॉजी और डेंटल लैब चलाता था। सुनिए इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या जानकारी दी है। उस दिन ये जो महिला सोई थी तो दोपहर में 1:30 के आसपास साड़ी पहने हुए एक व्यक्ति ने उनके ऊपर हमला किया। चाकू से हमला करने के बाद वो व्यक्ति वहां से भाग गई। ये महिला ऊपर से कमलेश कमलेश करके चिल्ला रही थी। घर के जो पहला माला है रो हाउस का, उसके उधर रही थी। उसका एक ही बेटा है, वो बेटा पुणे में जॉब कर रहा है। ये 5 लाख मांग रही थी और उसे वो 5 लाख नहीं देना चाहता था, इसके लिए उसने साड़ी पहन के उस दिन जाके वारदात किया। लेकिन वो महिला ने उसे पहचाना था, लेकिन उसके डर के मारे ये उसका नाम बोल नहीं रही थी। हम लोग ने उसे विश्वास में ले लिया, उसके लड़के को भी बुलाया। तो उसे बुलाने के बाद महिला ने ये जो कमलेश का जिक्र किया। स्टार्टिंग में ये जो महिला है ये किसी का नाम बता नहीं रही थी। महिला ने कमलेश को कोई उसे पैथोलॉजी शुरू करने की थी तो उसके लिए 5 लाख के ऊपर उसे रकम दी थी। और ये महिला के बेटे की अभी शादी थी तो शादी के लिए इसे पैसे की सख्त जरूरत थी, तो उस वजह से कमलेश ने ये सब वारदात की ली।